मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र के 20 वर्ष पूर्ण होने पर मूक बधिरों के विश्व चैंपियन डेफ ओलंपिक विजेता 15 वर्षीय गौरांशी शर्मा एवं अन्य मूक बधिर प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारे मिश्र ने मूक बधिर प्रतिभाओं का सम्मान किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र थाना तुकुगंज इंदौर में मूक बधिर दिव्यांग बच्चों की मांग पर मूक बधिरों की बैडमिंटन में विश्व चैंपियन डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट टीम की सदस्य गौरांशी शर्मा को बुलाकर पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारे मिश्र के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा मूक बधिर हर्षित ठाकुर, मीना कौर अव्वल, मूक बधिरों के कल्याण में अच्छा कार्य करने वाले सतीश गौतम एवं पिछले 20 वर्षों में सतत निस्वार्थ कार्य करने वाली मूक बधिरों की टीम को भी सम्मानित किया गया। तुकोगंज थाना देश का ऐसा पहला थाना है जिसमें इस तरह की मूक बधिर हेल्पलाइन की स्थापना की गई थी। आज इसका लगभग 20 साल पूरे हो रहे हैं और इस इतने दिनों में लगभग हजारों ऐसे मामलों में लगातार पुलिस ने मदद की है और इसमें कुछ NGOs की भी मदद ली गई है। इसमें आनंद सर्विस सोसाइटी की भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन पूरे लगभग 20 वर्षों में हजारों ऐसे केसेज जाए जिसमें न्याय दिलाने के लिए इस सेंटर ने काम किया है। इसमें आज उन बच्चों को बुलाया गया था जिन बच्चों ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के अपनी जो भी उनकी सीमा थी उन सीमाओं को तोड़ते हुए दिखाया कि उनमें भी प्रतिभा है और वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम कर सकते हैं। गौरांशी करके एक बच्ची आई थी जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में नाम किया है। एक बच्चा आया था जो शूटर था, जो पूरे देश में उसने एक प्रतिमान स्थापित किया है। इस तरह के बहुत सारे आज नए नए प्रतिभागियों को या इस केंद्र से जुड़े हुए बच्चों को बुलाया गया जिन्होंने साबित किया कि उनके अंदर भी उतनी ही अकूत प्रतिभा है और मौका मिले तो किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र के 20 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो हम इसी कड़ी में हर साल जो मूक बधिर क्षेत्र में जो अलग अलग उपलब्धियां हासिल कर पाए बच्चे उनको सम्मानित करते हैं। आज यहाँ पे गौरांशी शर्मा जो कि विश्व विजेता है बैडमिंटन की, उसने पैरा ओलंपिक डेफे ओलंपिक गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक ला के दिया है, उसका वो यहाँ पर सम्मानित करा था। साथ में हर्षित ठाकुर है जो स्टेट लेवल चैम्पियन हैं शूटिंग के, तो ऐसे कई जो मूक बधिर में प्रतिभाएं उनको आज सम्मानित किया गया था। ज्ञात रहे कि पिछले वर्ष भारत की प्रथम मूक बधिर नर्स बुलबुल पांजरे का सम्मान किया गया था एवं पुलिस अधिकारियों की सहायता से बुलबुल को शेल्बी अस्पताल में नर्स के पद पर प्लेसमेंट भी करवाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।